पहले के मुकाबले अब प्रेम विवाह सबसे ज्यादा होते हैं, पहले जो लव मैरिज कहते हैं जैसे जैसे, और वही सबसे ज्यादा ब्रेक हो रही है। अगर विवाह प्रेम के आधार पर हुआ था तो ब्रेक नहीं हो सकता था। अगेन वही जो मैंने बात बोली आपको, उसका आधार कुछ और था। वो आधार या तो शरीर था, बहुत सुंदर लड़की या बहुत सुंदर लड़का था, या उसका आधार बड़ी गाड़ी थी, या उसका आधार बड़ा घर था, या उसका आधार बड़ा पद था, या बड़े ऐसी चीजें थी जहां आप सोचते थे कि मैं यहां घुस करके इन इन मंसूबों को अपने पूरा कर सकता या कर सकती हूं। अब वो नहीं हुआ किसी वजह से, या तो वक्त ने ऐसा किया, या उस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, या कोई भी परिस्थिति बनी, बहरहाल वो हुआ नहीं, तो वहां फिर लगता कि मेरा टास्क तो फेल हो गया, मेरा उद्देश्य तो खराब हो गया। प्रेम के आधार पर किया गया कोई भी संबंध कभी खत्म नहीं हो सकता, हमेशा जिंदा रहता है। बाकी आधारों पर किए गए संबंध ही सदा सर्वदा जीर्ण होते हैं, बीमार होते हैं और समाप्त होते हैं। उतना पेशेंस भी नहीं फिर हमें कि हम उस चीज को निभा सकें, उस चीज को कर सकें, उस चीज को रख सकें। श्री राम जी को वनवास हुआ, सीता जी पत्नी होने के नाते स्वाभाविक तौर पर उनके साथ गई, नैतिकता के नाते, सामाजिकता के नाते, हर तरह से मैं पति की चीजों का ख्याल करूंगी। लक्ष्मण जी भी चल दिए। अब उर्मिला का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं, संग साथी तो विवाह हुए चारों भाइयों के, और उर्मिला भी नवविवाहिता दुल्हन है, और वो दिया जला करके रखती है अपने यहाँ रोजाना, और वो कहती है कि दिया मेरे पति है, ये दिया जो है ये लक्ष्मण है, और जब तक ये मैं दिया जगाती रहूंगी मेरे पति का कहीं कोई बाल बांका नहीं हो सकता। वो 14 वर्ष सिर्फ उंडेर पर जगा करके रोजाना दिया रख देती है बस, कि मेरे पति का स्वरूप है ये, मेरे पति के प्राण है इसमें। और ये कथा आती बड़ी गहरी, जब हनुमान जी संजीवनी बूटे लेने के लिए पहुंचे, संजीवनी पर्वत को उठा रहे थे, तो उनसे कहा वहां के देवों ने, वहां के जो यक्ष थे उनसे प्रश्नोत्तर होता है, ये कहीं प्रसंग मिलेगा नहीं आपको, हनुमान जी का प्रसंग होता है यक्ष से। वो कहता संजीवनी बूटी किस लिए ले जा रहे हो? बोले लक्ष्मण के प्राण खतरे में। बोले लक्ष्मण कौन? बोले श्री राम जी के भाई। बोले उर्मिला के पति की बात तो नहीं कर रहे हो? गई बोले हाँ हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बोले उनके कोई प्राण ले ही नहीं सकता, उनके प्राण तो उर्मिला के पास है, उर्मिला के दिए में उनके प्राण हैं, और अखंड जोत जगाए बैठी 14 साल से, यमराज भी लेके नहीं आ सकता उनको वापस कभी भी, उनको मृत्यु हो ही नहीं सकती है जब तक उर्मिला उनको तिलक ना कर दे उसकी राख से जो 14 साल से दिया जग रहा है। उसकी बत्ती बुझानी थी उसने आने के बाद, कि लक्ष्मण जिस दिन घर वापस आएगा उसकी बत्ती बुझा के इससे तिलक करूंगी लक्ष्मण का, उसे मार सकता है कोई? सत्यवान सावित्री, ऐसे कितने किस्से हैं, कितनी कहानियां हैं जहां मौत भी वापस लौट गई, लेकिन अभी ये पेशेंस तो है नहीं ना। अभी तो 14 घंटे नहीं रह सकते आप किसी से अलग, 14 मिनट अगर ढंग से आदमी बात ना करे तो उसकी चलान कट जाता, 14 महीने, 14 साल, तो इतनी ही बड़ी, तो ये गहरी आस्थाएं जो हमारे संबंधों के आधारभूत केंद्र थे ये समाप्त होते चले गए जीवन से। तो जी अगर हम हर एक को उर्मिला बनने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम थोड़ा सा अगर हम पेशेंस भी रखें। और एक अकबर ने पूछा बीरबल से कि कुछ ऐसा लिखो जिसे सुख में पढ़े तो सुख की अनुभूति हो, दुख में पढ़े तो भी सुख की अनुभूति हो, सदा सर्वदा एक जैसा रहे। तो बीरबल ने लिखा कि यह समय भी गुजर जाएगा। अब अच्छे समय में है तो आपको उसका बोध कराता है कि यह समय भी जाने वाला है, और बुरे समय में है तो आपको सांत्वना देता है कि यह समय भी निकल जाएगा, तो यह समय भी गुजर जाएगा। तो ये हम ये मानते नहीं हैं, हम इतने अच्छा पेशेंस ही आएगा कहाँ से? ये धैर्य, ये प्रेम, ये गहनता, ये सब संस्कारों की देन है, ये पूजा पाठ प्रार्थनाओं से आता है, क्योंकि कॉस्मिक जोन से एक सपोर्टिंग सिस्टम आपके पीछे काम कर रहा होता है, एंटीवायरस आपका एक्टिवेट है एक्चुअली हर समय, वो आपके उसमें वायरस आने नहीं देता, ये प्रार्थनाएं एंटीवायरस का काम करती है। आपका जो हैंडसेट है, जो आपका लैपटॉप, जो भी चीज़ है वो हमेशा ठीक रहेगी, महफूज रहती है। अब एंटीवायरस सिस्टम खत्म हो गया। अब जितना अगर आप 5 मिनट की भी पाठ करने को, 2 मिनट लगते हैं सिर्फ सूक्त का पाठ करने में, और 108 देवी देवताओं का पारायण हो जाता है, ना कोई कंटेस्ट करने को दिया, गाने पूरे पूरे याद है, वो टिकटॉक बनाने के लिए छतों पे छज्जों पे चढ़ के लड़कियां ठुमक रही हैं पूरा समय है। एक मैंने टिकटॉक नहीं देखा जो किसी मंत्र पे बना हुआ हो। अगर मंत्र पे टिकटॉक हो गया तो सारी टॉक पे टिक लग गया, जितनी भी टॉक है वो टिक हो गई फिर, लेकिन वो तो खाली नाम है टिकटॉक। अगर टॉक को टिक करना है तो परमात्मा के शरण में जाके ही हो सकता है वो। तो ये इस वजह से भी संबंध सब हुए। तो इनके आधार प्रेम नहीं थे, ये बहुत जगह संबंध, तो मैक्सिमम बहुत सारी लड़कियां हमसे, अब मेरे पास एक लड़की आई मॉरिशस आश्रम की बात है, वो एक मुझे डिटेल देती है, मैच मेकिंग की कराती है अपनी चार्ट का। मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है, उसमें कुछ गण दोष था या कुछ बकुट दोष, मुझे इससे याद नहीं, नाली दोष कुछ ऐसा था। मैंने कहा ये मत कर, क्लिक मत रुकिए। उन्होंने मोबाइल खोला, व्हाट अबाउट दिस? तो मैंने फिर उसका गणना करी, तो मैंने कहा ये इसके साथ फलानी चीज़ की प्रॉब्लम है, इसमें बाकी चल के आगे ये हो सकता है। बोले एक मिनट वेट करो,
पीछे पॉकेट से पर्स से एक मोबाइल, उसमें से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और विजिटिंग कार्ड निकाल के उस आदमी को फोन किया, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर टाइम ऑफ बर्थ एंड व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, काइंडली अपडेट टू मी नाउ। उसने वहां से आया मैसेज, फिर बताती है इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। मैंने कहा तुम सारे निकाल के पहले बाहर ही रख लो, फिर भाई तुम पैरेलल अगर इतने सारे व्हीकल ड्राइव कर रही हो तो तुम सबको पहले मेरे सम्मुख ले आओ, मैं फिर बता देता हूँ क्या करिएगा। तो वो तो आपको सेटिंग, तो ये सब नहीं है, ये आधार समाप्त हो गया एक्चुअली, ये माता पिताओं की तरफ से भी समाप्त हुआ। अब वो आदमी सबसे पहले यही, कोई मैंने देखा ना विज्ञापन छपते हैं, उन विज्ञापन में कोई कहीं गुणवत्ता की बात ही नहीं है, एक विज्ञापन नहीं, ऐसा कभी सच छपेगा भी नहीं, किसी अखबार में नहीं छपेगा कि मैं श्रेष्ठतम, बहुत अच्छा सदाचारी, बहुत सुशील, बहुत बेहतरीन इंसान की आवश्यकता है, हम अपनी कन्या को उसे देना चाहते हैं, या कन्या कहे या वो पुरुष कहे कि मुझे ऐसी कन्या की जरूरत है जो कैसी भी हो लेकिन उसमें ये गुण तत्व हो समाज इस तरह के, उससे मैं विवाह करने को तैयार हूं, भली अंधी लंगड़ी लूली कैसी भी हो, नहीं। तो सारा का सारा प्रक्षेपण तो ग्लैमर में छिप गया, ग्लैमर है सूर्य, मतलब दिन की धूप है, रात को तो छाया आनी है, और छाया में फिर वो चीजें विलीन हो गई, फिर आदमी पागल हो गया। वो छाया अभी 12 घंटे की भी हो सकती है, छाया 12 वर्ष की भी हो सकती है, छाया 120 वर्ष की भी हो सकती है। तो जब ये सूर्य था उदित, जीवन में सब सुख था, सब कुछ अच्छा था, सब ठीक था, तब तो सब ठीक चला। अगर संबंध आर्थिक आधार पर है तो नहीं चलेगा, शरीर तो कभी तो बूढ़ा होगा, कभी तो झुर्रियां पड़ेंगी, कभी तो शरीर में कमर तो झुकेगी, कभी तो बोली जबान लड़खड़ाएगी, कभी तो आंखों से कम दिखेगा, कभी तो 4 दिन तक आदमी ना नहाएगा, शरीर से दुर्गंध आएगी, फिर क्या करिएगा, उस समय क्या करेंगे हम। प्रेम तो आधार था नहीं, ये आधार था, अब वो आधार तो लुप्त हो गया, प्रेम समय उसके उसकी उससे पहले प्रेम लुप्त हो गया। तो ये जो ये दोहरापन है, वो दोहराव है, बिखराव है, और हर चीज में मैं और तू वाला मामला, ये बड़ा खराब है। जुनैद एक फकीर हुआ, उसकी प्रेमिका है राबिया, अब वो राबिया का दरवाजा खटखटाता है जाकर के, तो वो पूछती है कौन, तो कहता मैं, वो दरवाजा बंद, अंदर की कुंडी और वापस दूसरी वाली कुंडी भी लगा देती, बोले मैं के लिए है कोई स्थान नहीं, वापस जाता, बहुत देर बैठता है, गुरु के पास पहुंचता, बोले मैं ऐसे गया था अपनी प्रेमिका के पास, हमेशा मिलता रहा और राबे ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, बोले क्या संवाद हुआ था, बोले उसने पूछा कौन, जब दूर से मुझे देख भी रही थी, दूर से नजर भी आ गया था, मैं जा रहा हूँ झोपड़ी की तरफ, फिर भी पूछती है कौन, तो मैंने कहा मैं जुनैद, मैं, तो उसने कहा मैं के लिए है कोई स्थान नहीं, बोले पागल अब जा। तो जब उसने फिर जाके दरवाजा खटखटाया, गुरु जी ने उसे मंत्र दिया, तो कहता वो फिर पूछती है राबिया कि कौन, तो कहते बस तू ही, बोले तुम्हारा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, जहां मैं और तू का भेद ही मिट गया, या तू मैं का भेद ही मिट गया, अभी तू मैं ही तो हो रही है। स्त्री है वो पुरुष को श्रेष्ठ दिखाना चाहती है, पुरुष है वो स्त्री को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, एक अजीब सा कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है परिवार में, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। स्त्रियां बराबरी, क्या बराबरी करेंगे, परमात्मा ने बराबर नहीं बनाया, मतलब इससे कोई हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सो कॉल्ड एक ऐसी वॉर चल रही है चीजों में कि जैसे स्त्रियां अगर वो स्वावलंबी होंगी, स्त्रियां अगर अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो पुरुषों के विरोध में खड़ी होंगी, एक्चुअली इसका कोई लेना देना नहीं, पुरुष के समग्र अस्तित्व के स्वीकार के साथ ही स्त्री का विकास हो सकता है, स्त्री के समग्र अस्तित्व के स्वीकार के साथ ही पुरुष के व्यक्तित्व का निखार हो सकता है, लेकिन ये अस्तित्व के एग्जिस्टेंस को तो आप चैलेंज कर रहे हैं, उसको मानने को तैयार नहीं है, और मैं तुमसे आगे निकल के दिखाऊंगी, अब तुम किसी से आगे ना निकल सकोगी, मैं तो तू है किस, तो किस खेत की मूली, तेरी औकात क्या है, मैं तुझे बनके दिखाता हूं मैं क्या हूं, तुम कुछ ना बन सकोगे कभी, किसे दिखाने चले हो बनाने के लिए, उसे पता है जिसने तुम्हें बनाया कि तुम क्या बन सकते थे और क्या बनने वाले हो। तो ये भुलावे हमें संबंधों में दरकाव को पैदा करते हैं, घृणा को पैदा करते हैं, और बड़ी बड़ी विभत्सता फिर उन संबंधों में आती है, और उसका भी एक बहुत विद्रूप रूप, बहुत खराब स्वरूप कि बहुत सड़े गले संबंधों के साथ फिर लोग एक छत के नीचे रहते हैं, वो और भी ज्यादा खराब है। डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट, अगर नहीं बन रही तो एकदम अलग हो जाओ, बात थोड़ी सी जरा चौंकाने वाली है, पर सच्ची बात यही है, उस ये जीवन मिला है ये हर समय नरक बनाने के लिए नहीं है, ठीक है चॉइस गलत हो गई कोई बात नहीं, पर उसको ठीक है, उसमें बच्चे भी हैं और चीजें थोड़ा सा, लेकिन आप अगर एक दाम्पत्य का जीवन, अगर पति पत्नी उन बच्चों की वजह से सोचते हैं कि हमारा संबंध खराब हो जाएगा तो बच्चों पर प्रभाव आएगा, और 24 घंटे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं उस कलह कलेश से, उस नरक के जीवन में रह रहे हैं, तो बच्चों का जीवन तो खराब कर ही दिया, ठीक नहीं हो सकता है। आप सोच रहे हैं ठीक इसलिए हो जाएगा कि हम जुड़े रहेंगे, नेवर, कभी नहीं। अब ये बच्चा जो अपने पिता को हिंसा करते हुए अपनी माता के साथ देख रहा है, अपनी पत्नी के साथ ये व्यवहार दोहराने वाला है, वो उसकी ट्रेनिंग हो रही है एक्चुअली। जो लड़की देख रही है अपनी माँ को लड़ते हुए अपने पति के साथ,
अपने पिता के साथ, यानी कि वो वही करने वाली है अपने जीवन में, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उसी चीज़ की हो रही है, वही वोकेबलरी, वही सेंटेंस, वही भाव भंगिमाएँ, वही एक्सप्रेशंस, वही चीज़ें, वो उस मौके पर वैसे ही रिएक्ट करेगी। तो एक जीवन को आपने खराब अपना कर लिया और दो चार जीवन और आप खराब करने जा रहे हो, उससे तो अच्छा ये होगा कि आप अलग हो गए, तो फिर जैसे भी आप रहे वो एक अलग तरह की परवरिश होगी, बल्कि और ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे बहुत शराबी के बच्चे शराब नहीं पीते, फिर बहुत जुआरी के बच्चे जुआ नहीं खेलते कभी, वो उसका एक खराब स्वरूप देख चुके होते हैं। तो जब वो एक प्रतिभा हमेशा अभाव में पल्लवित होती है, कमी में प्रतिभा का परिष्कार होता है, स्पून फीडिंग से बात नहीं बनती, चाहे पार्लियामेंट में क्यों बैठे, फिर हम मस्करे ही हो जाते हैं। जिन्होंने चांदी की चम्मच लेकर के जन्मे हैं जो लोग, वो फिर वहाँ भी जाके हंसी मजाक ही करते हैं, चाहे पार्लियामेंट में क्यों ना चले जाए, बड़ी बड़ी कहीं किसी बड़े पदों पर क्यों ना हो जाए। ये आती है परिष्कार से, प्रतिभा का परिष्कार होता है परिश्रम से और संघर्षों से। विपरीत परिस्थितियों में प्रतिभा का पल्लवन होता है, प्रतिभा बढ़ती है, तो वो बच्चे देख नहीं रहे हैं, तो वो फिर हर समय एक, अब बड़ा मैं देखता हूँ कि वो छोटी 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 चीज़ों की एक दौड़ चल रही है। मेरे साथ आके पत्नियाँ पूछती हैं कि ये जरा बस ये पूछना चाहते हैं कि ये रहेंगे कब तक। मैंने ऐसा क्यों, अभी तो 40 साल का ये है आदमी, या ये 35, बोले नहीं नहीं बस ये है कि कुछ ऐसी चीज़ हैं घर में कि इनके जाने के बाद ही शायद हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, जीते जी तो ये देंगे नहीं हमें। ये प्रेम का आधार है, बताइए। पति पूछ रहे हैं कि बाकी तो सब ठीक है कुंडली में, बाकी चीज़ों में सब आपने देखा, कुछ ऐसा योग भी है क्या कि बीवी की डेथ पहले हो सकती है, कि 5-10 साल तो आराम से बिताऊं मैं। ये संबंधों के आधार हैं। तो ये क्या संबंध हमने पैदा कर लिए, इसकी दौड़ अगेन, ये सारा जो आर्टिफिशियलनेस, बहुत कम, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती सुखी जीवन के लिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। सुखी जीवन बहुत छोटी चीज़ों में पूरा हो सकता है। और आप देखें हमारे माता पिता, हमारे माता पिताओं के भी माता पिता, क्या था उनके पास, पर वो सुखी थे। हमारी अभी 50-100 साल पहले तक की जो पीढ़ियाँ थी वो ठीक थे और बड़े निफ्राम थे और बहुत अच्छे से उन्होंने सारा काम भी किया और 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 बच्चों को भी पैदा किया और उनकी परवरिश भी कर दी उन्हीं बच्चों की जो मीन में कर रहे हैं आज बैठ करके, और जो एक बच्चे के लिए भी मैनेजर प्लानिंग कर रहे हैं, वो 10 माँ बाप, जिन माँ बाप के संतान है वो 8-10 थे, और सबकी परवरिश हो गई। रोटी का रिज़ाक परमात्मा है, लेकिन व्यक्ति सोच रहा है कि मैं ही सब कर रहा हूँ, हर चीज़ मैं ही पैदा कर रहा हूँ, ये मैं, ये जो अहंकार है इसने सब चीज़ों को समाप्त कर दिया है। और जो चीज़ जितनी ज़्यादा, सोने की कीमत क्यों सबसे ज़्यादा है, अभी हमने सोने की बात की, फ्लेक्सिबिलिटी, सोने के 1 ग्राम के तार को 1 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। तेज आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, सिर्फ वही शाख बचेंगी जो लचक जाएंगी, जो बेले हैं वो कुछ नहीं होता, अभी हवा का झोंका है उधर जा पड़ी, फिर उधर से हवा का झोंका इधर आ पड़ी, उसका अस्तित्व कायम है। लेकिन जो ठूट, जो सीना तान के खड़े हुए वृक्ष थे, बड़े बड़े विशाल काय और गगनचुंबी, वो धरती पर पड़े मिलते हैं एक तेज आंधी के बाद। तो अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें विकसित करनी चाहिए। सोने की और कोई खास बात नहीं है, सोने में ये एक सबसे बड़ी विशेष बात है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है किसी भी धातु से, इसलिए उसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम अपने जीवन को ऐसा बना सकें कि परिस्थितियाँ तो आने जानी है, लेकिन संबंध को हम टेम्परेरी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए परमानेंट रिलेशंस को खराब कर लेते हैं। आज हम ऐसी परिस्थिति में फंस गए कि हम जा रहे हैं मसूरी से दिल्ली और हमने खाना नहीं खाया, हमें खाना नहीं मिला, कोई बात हो गई, ये परिस्थिति जन्य सिचुएशन थी, आज की सिचुएशन ऐसी थी कि ऐसा हो गया, लेकिन हम संबंध इस बात पर खराब कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से भूखे रहना पड़ा। एक दिन की तो बात थी, हमेशा तो खाते ही रहे थे, हर बार तो खाते पीते ही आते थे, एक दिन नहीं खाया तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, ये बात खत्म हो गई है। वो उस समय डिसीजन करते हैं और बहुत ज्यादा हम जस्टिस ओरिएंटेड हो गए, मतलब बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन हर चीज का निर्णय करने लगे, और सोशल मीडिया ने और बाकी चीजों ने इतना प्रक्षेपण किया है हमारे जीवन पर, हमारे पास इतने कंपैरिजन आ गए हैं कि हम उस कंपैरिजन में डोल रहे हैं हर समय, और कभी भी तुलना सुखदायी नहीं होती, कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको तुलनात्मक बनाया ही नहीं है। हर व्यक्ति एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, अभी आधार में होता है ना, अंगूठे की छाप लगती है, आपके जैसे कोई दुनिया में है ही नहीं, तो आपके जैसा नहीं तो आपके जैसी सारी चीज भी किसी के जीवन में नहीं है, वो सुख समृद्धि या विपन्नता या अभाव या अच्छी चीज या बुरी चीज जो आपके जीवन में वो आप ही के पास है बस। लेकिन हम तुलना कर रहे हैं, मिश्रा जी की लड़की ना वो तो फलानी काम कर रही है, वो वर्मा जी की वाइफ पता है क्या कितना गोल्ड है उनके पास, वो फलानी शर्मा जी जो हैं उनके यहाँ पता है कितनी गाड़ियाँ, ये शर्मा जी जाने, और अभी तो यात्रा शुरू हुई है, जब इसका निर्णय होगा तब पता चलेगा किसने सुख की यात्रा की। तो ये बेसिक्स, बहुत छोटे 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 बेसिक सीड्स हैं, अगर इनको हम पकड़ पाएं तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता। एज भी तो फैक्टर हो सकती है ना, शादियाँ भी लेट होती हैं, पहले शादी थोड़ा टाइम से हो जाती थी बहुत,
एज का फैक्टर भी काम करता है, ये भी काम आती है चीज। लेकिन इसमें पता कि अगर हम देखिए उम्र में, अब संस्कार विधि अगर आप उठाकर देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो इसमें विधान लिखा, वो कहते हैं कि पुरुष 40 वर्ष का और स्त्री 20 साल की होनी चाहिए, 22 साल की होनी चाहिए। होगा क्या कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नहीं बनेगा कभी भी। स्त्री की कुल काम आयु 6 वर्ष है, पुरुष को दूसरी स्त्री वर्ष पैदा होना शुरू हो जाता है। जीवन तो चलाना 60 साल, 50 साल, 40 साल, ये भी बड़ा आधार है जीवन में संबंधों का, क्योंकि ये प्राकृतिक ऊर्जा है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो 6 साल में वो तो चुक गई, अब क्या करें फिर। तो ये इसलिए उन्होंने रखा कि पुरुष जब होगा 55 साल का, 60 साल का, स्त्री तब भी 30-32 साल की होगी, उसे अपने घर में वो हमेशा प्रेमिका नजर आती रहेगी, वो डॉली नजर आएगी उसको हर समय। और जो गुणसूत्र होंगे, वीर्य जितना पकता है, अब चूंकि हम पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहे हैं तो उनको इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए, वीर्य जितना परिपक्व होता है, वीर्य 36 साल से और 48 साल के बीच ही इस योग्य होता है कि अच्छी संतानों को जन्म दे सके। अब किसी महान पुरुष की जीवनी उठा कर देख लीजिए, किसी भी महापुरुष की, उसने जीवन, उसका जो बच्चे का जन्म है वो 36 से 48 के बीच, उसके माता पिता का उम्र 36 से 48 होगी जब उसने जन्म लिया। एक 100, मेरे पास 100 लोगों का मैंने विश्लेषण किया हुआ, वो ही लोग हैं जो उससे कम उम्र में पैदा होते हैं, वो बच्चे के बहुत विकसित नहीं हो पाते। जरखेज मतलब जो जमीन है वो इतनी उपजाऊ ही नहीं है कि उसमें श्रेष्ठतम पुष्प और श्रेष्ठतम फल और फूल का उदय हो सके, वृक्ष का जन्म हो सके, इसकी गहरे जड़ी हो सके, वो उस समय जाके पकता तो बड़ी, लेकिन हम उसे मानते नहीं, वो बड़ा उल्टा काम हो गया। और भी दुर्भाग्यपूर्ण ये हो जाता है कि कई बार हम पुरुषों को छोटा चुन लेते हैं, वो और दुख का कारण है। कोई किसी के लिए व्यक्तिगत, मुझे माफ करें अगर किसी के जीवन में ऐसा है, पर मैं कॉमन बात बता रहा हूं, तो उसके आधार इसलिए ऋषियों ने चुने थे। अभी मैं कल बात कर रहा था वीर के कितने आय की, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, 14 साल के थे, उनकी पत्नी का मैंने जिक्र किया, तो 14 वर्ष की भी पत्नी थी। तो कुछ भी चीज क्या था कि आपका अभी क्या है, अभी 24 घंटे जितनी भी हमारे सोशल मीडिया है इस पर काम का भी तो प्रसार प्रसार है, 24 घंटे सेक्स और सेक्सुअल एक्टिविटीज का ही तो विस्तार है, और उसका आप हर समय भोजन 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 की बात कर रहे हैं और प्राप्ति कहीं से भोजन की होती नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। भी चल सारी। जो भी है, अब वो सारे बच्चे वो बातें जान गए हैं जो एक बच्चा 30 साल की उम्र में जानता था, वो 15 साल का बच्चा उन सब बातों को जान रहा है, और वो यानी सारे दिन भोजन की बात आप कर रहे हो और भोजन प्राप्त कहीं से हो नहीं रहा है, रिलेशन तो उसका बंद है नहीं कहीं, लेकिन सारे दिन बात वो भोजन की कर। अब मैं सारे दिन आपसे कभी पकौड़े, कभी रसगुल्ले, कभी गुलाब जामुन, कभी समोसे, कभी कुछ, रोज बैठो और उसी की बात करता रहूं, एक दिन आप छक्के हो गए, बकवास बंद करो, कहां है, हमने तो कभी खाया नहीं, बताइए ऐसा होता वैसा होता। तो ये जो ये प्रक्षेपण हमारे ऊपर जीवन के हो गया, पहले लोग बड़े सियाने थे जो वो विवाह की उम्र कम रखते थे, बड़े ठीक थे, वो उस उम्र में ठीक चलता था उनका सारा सिस्टम, इतनी समस्या नहीं होती थी। अब जब प्रकृति अपना वेग लेगी तो रिलेशन भी बनेंगे, बहुत सी चीजें होंगी, क्योंकि वो तो प्रकृति प्रदत्त है। अब ये बनाया इंडियन पिनल कोड आपने, इसमें आप उम्र की सीमा भी निर्धारित कर रहे हैं, सब चीजों की सीमा भी निर्धारित कर रहे हैं। एक्चुअली देश के जो शासक है वो तो चाहते ही नहीं कि संतानें पैदा हों, ये सिस्टम ज्यादा हो, और इसकी बहुत जरूरत भी नहीं, तो आधार क्या है वो एक खराब बात है। और जब तक आदमी संभल पाता है, सोच पाता है, तब तक और कुछ जीवन इस दुनिया में ले आता है। 10-20 वर्षों तक पूरी दुनिया में एक नियम पारित होना चाहिए, सभी पार्लियामेंट को एक कानून पास करना चाहिए और सारे समाज को इसमें सहयोग देना चाहिए कि अब कोई भी व्यक्ति कोई भी संतान पैदा नहीं करेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं। और संतान को पैदा करने के लिए लाइसेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, पहले वो आदमी अपने एसेट्स कोर्ट में जमा करे कि ये मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, इतनी खेती बाड़ी है, इतना घर है, इतना ये है, अब मैं योग्य हूं कि संतान पैदा कर सकता हूं, उसके पालन पोषण कर सकता हूं, तो उसको फिर परमिट मिलना चाहिए कि आप संतान पैदा कर सकते हैं। ऐसी विवाह के लिए भी होना चाहिए, विवाह इतना जटिल और कठिन होना चाहिए, इतना जटिल और कठिन होना चाहिए कि 500 लोगों की जमानतें हों तब जाके विवाह होना चाहिए। और तलाक ऐसा होना चाहिए कि आपने एक SMS भेजा और आपने अलग हो गया तो जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा, उल्टा हो गया, एक बार आपका पैर फिसला नहीं बाहर आप निकल नहीं सकते। विवाह कर लिया, अब 6 महीने बाद पता चला कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया, अब उसका कोई इलाज नहीं है, जीवन भर आप उसको ढोएंगे, फिर ये होना बड़ा मुश्किल है। मेरी बातें लोगों को समझ आने वाली नहीं है, बहुत चीज़ें को विरोध भी होगा, वो लोग मुझे गलत भी समझेंगे, लेकिन सत्य तो यही है। तो जीवन से प्रेम तो समाप्त हो गया, आने वाले समय में पूरी दुनिया में ही लिव इन रिलेशनशिप बढ़ेगी, सहजीवन का विस्तार होगा, लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे बिना बच्चों को पैदा करने के लिए और बिना वैवाहिक संस्था को करेंगे। विवाह संस्था को अब समाप्त कर देना चाहिए, ये 1862 की है, 150 वर्ष पुरानी बुढ़िया को आप ढोए जा रहे हो, 200 साल पुरानी चीजों को लेकर ढो रहे हो, ये बीमार हो चुकी है, ये जर्जर है, ये खराब है, आने वाला भविष्य इसका है। 20 वर्ष पश्चात आपको पूरी दुनिया में, 30 वर्ष पश्चात आपको पूरी दुनिया में सहजीवन का विस्तार दिखेगा। अरे 2-4 साल हंस खेल के प्यार से एक कपल साथ तो रह ले, अभी तो 4 दिन भी नहीं रह पाते हैं विवाह के चक्कर,
और संतान की आवश्यकता है नहीं। पश्चिम में हो गया है ये, स्त्री वहां बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। देशों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बहुत सारे देश हैं। नॉर्वे में अगर आप चले जाएं, आपको प्रोत्साहन राशि मिलती है, आपको बच्चे पैदा करने के लिए आपको वो प्रमोट करते हैं कि आपको ये सुविधा देंगे, आपको कलर टीवी देंगे, आपको ये गाड़ी देंगे, आप किसी तरह संतान पैदा करें। स्त्री बिल्कुल पैदा नहीं करना चाहती है बच्चा, क्योंकि उसको ये भी पता है कि बच्चा पैदा करने के बाद उसकी सेक्स में रुचि कम हो जाती है। ये बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। तो चूंकि उसे एक इतना बड़ा एक जैसे उसे उस चीज का एक आदमी पढ़ाई किस लिए करता है कि डिग्री मिल जाए। एक आदमी जो पूरी एजुकेशन इसलिए प्राप्त करता है कि मुझे वो डॉक्टरेट मिले, एमए बीए ये डिग्री मिल जाए। वो डिग्री मिल गई उसको, तो अब क्या पढ़ाई करनी है? एट द लास्ट मोमेंट तो संतान उत्पत्ति के लिए सारी संस्थाएं बनी ना, संतान उत्पन्न हो गई, अब क्या करना बाकी चीजों का? अब तो उसका भी उपाय हो गया, सरोगेसी होने लग गई है। हाँ, तो वो सब चल रहा है। तो ये जो है ये, पर मैं मेरा प्रमोशन, मेरा मत, मेरा समर्थन इस बात पर है कि आपका जीवन कितना प्रेमपूर्ण है, जीवन में आनंद है कि नहीं, जीवन में सुख है कि नहीं। आप एक दूसरे को देख करके क्या ऐसा सोचते हैं कि ये आदमी मेरे जीवन भर का साथ हो जाता तो कितना अच्छा था, मैं तो इससे कभी जीवन भर अलग नहीं हो सकता या हो सकती हूँ। तो वहाँ बड़ा गहरा, कितना गहरा जुड़ाव उस सोल के साथ आपका होता जा रहा है, और 24 घंटे आप ये कर रहे हैं, हे भगवान ये कब उठाएगा इसको, हे ईश्वर ये इसकी ये कब मेरे जीवन इस मुक्ति इस नरक से बाहर आएगा। तो ये जो हर समय का प्रलाप है, ये आपके जीवन का भूत भी जो बीत चुका उसके दुख की छाया है, ये वर्तमान में दुख का पूरा विस्तार है, और भविष्य जो आने वाला है उसमें भी दुख का ही संसार है, इसका समाधान नहीं होने वाला है। तो काश ही ऐसा हो सके। वो तभी हो सकता है कि जब हम सेल्फलेसनेस, इगोलेसनेस, टाइमलेसनेस के आधार पर संबंधों का विस्तार करें। एनीथिंग एल्स? आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु, आर्यं शरणं शुभमस्तु।